भाई पानी लग गया है गाड़ी को भी। ये गाड़ी हमारी साफ सुथरी हो गई है, न्यू हो गई यार, बिल्कुल ही मजा ही आ गया आज तो गाड़ी को सर्विस करवा के। वैसे तो यार ये जो हमने नई गाड़ी ली है मिनी पिजारो, ये गाड़ी तो अच्छी है लेकिन ये अभी फिलहाल साफ़ नहीं है। मतलब कि बाहर से तो बॉडी आप लोग देख पा रहे हो कि ये तो साफ़ होगी, बाहर से सर्विस वर्विस होगी तो ओके हो जाएगी, पॉलिश भी होगी, लेकिन अंदर से जो बेचारी के थोड़े से हालात हैं वो ख़राब हैं। मतलब कि जो उस गाड़ी में पायदान वगैरह रखे हुए हैं ये पता नहीं कौन से हैं, और अगर बैक साइड का मैं आपको सिस्टम दिखाऊँ तो यार यहाँ पर भी पता नहीं क्या कचरा दचरा रखा हुआ है। ये पता नहीं कौन से पायदान है, एक ये है और एक ये है, सही है, दो चीज़ें ये हैं, इनको भी बाहर करते हैं, जो काम की चीज़ नहीं है उसको फेंक जाएंगे भाई। ये ठीक है पीछे के लिए, इसको हटाओ, और ये भी जो दो कचरे पड़े हुए इनको भी निकालो यार बाहर। मतलब कितना गंद कचरा रखा हुआ है यहाँ पर गाड़ी के अंदर, बेकार बेकार से पायदान रखे हुए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और इस तरफ भी यार मिट्टी देखो कितनी उड़ रही है मिट्टी इस गाड़ी को, मतलब कि वैक्यूम काफ़ी लगेगा। और ये देखो ये भी जो पायदान है ये भी जो यार निकालने पड़ेंगे यहाँ से, फेंकने पड़ेंगे। उस तरफ से काम करता हूँ, मैं आता हूँ, ये तो बेकार है किसी काम का नहीं है। इसकी जगह पर जो आगे पायदान डालने हैं वो उधर मैंने डिग्गी में रख दिए हैं, कॉस्मिक पॉलिश भी मैंने रख दी है, और ये जो है पायदान अच्छे हैं। हाँ बाकी साफ वाफ होंगे लेकिन पायदान अच्छे हैं, ठीक है। तो यार ये पायदान जो हैं वैसे तो यार अगर गुजारे लायक थे ना, मतलब कि गुजारे लायक हैं, इनको रख सकते थे, लेकिन खैर छोड़ो, बस अभी जब हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं तो ये हमारे किस काम के, ठीक है। इनको फेंक देते हैं और अभी चलो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और यहाँ से निकलते हैं भाई, गाड़ी की सर्विस वगैरह कराते हैं। अच्छा ये सिविक वगैरह की तरह भाई छोटा सेल्फ नहीं लेती है, इसका बहुत ही बड़ा सेल्फ होता है, देखना अभी देखा। और इस गाड़ी का साउंड ऐसे ही होता है भाई, देख रहे हो, इनको जो है ना भाई इधर साइड में रख देते हैं ताकि यहाँ पर किसी को कोई मसला वसला ना हो, कोई तंग वगैरह ना हो, ठीक है। ये यहीं पर रखे हुए हों, और अभी मतलब कि आज हमें अपनी गाड़ी की सर्विस करानी है तो चलो थोड़ा सा वेट करते हैं ये गर्म हो जाए और फिर निकलते हैं। भाई गाड़ी स्टार्ट है हमारी, तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यार मतलब कि मैंने आपको दिखाया ना कि गाड़ी में क्या क्या मसले थे ये पायदान वायदान के। अच्छा उसके अलावा इस गाड़ी का साइलेंसर भी थोड़ा सा फटा हुआ है, वो भी बनवाना है, और उसके अलावा इस गाड़ी को आगे फॉग लाइट्स जो होती हैं वो लगवानी है, और टॉप कवर चढ़वाना है। तो काम है आज, वैसे काफ़ी ज़्यादा काम है, तो आप लोग व्लॉग लास्ट तक देखना, और हाँ यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अभी हम लोग निकलते हैं, बस लगाते हैं रिवर्स गियर और चलो चलते हैं भाई, जगह है ना पीछे, हाँ चलो चलो। तो भाई गाड़ी जो हमने अपनी सर्विस स्टेशन पे खड़ी कर दी है, उसका चाबी पकड़ो, और अभी तुम्हें काम पता है क्या करना है, इसकी बॉडी को पूरा वॉश करो, अंदर कुछ नहीं करो, अंदर मैं वैक्यूम लगाऊंगा, ठीक है। अभी तुम इसकी बॉडी को वीआईपी करके वॉश करो, इंजन में हाथ नहीं लगाना, ठीक है। इंजन मायर से कार का थोड़ा सा मसला होता है ना, तभी मैं बोल रहा हूँ, बाकी ये अंदर अंदर से टायर वायर सब धोना, ठीक है। चलो भाई पानी लग गया है गाड़ी को भी, और अभी जो है इसमें बस सरफ लगेगी, सरफ का पता नहीं यहाँ पे कोई मसला है, मतलब कि ये जो है सरफ का पाइप होता है, अभी यहाँ पे पानी वानी पता नहीं सरफ डल रही है मेरे ख्याल से, और फिर यहीं पे झाग बनेगा और फिर ये गाड़ी पे लगेगा और फिर गाड़ी के दाग वगैरह जो है इससे साफ होंगे।
गाड़ी की बाहर से सफाई सफाई चल रही है, मतलब कि साफ वाफ हो गई, कपड़ा लग गया है। और अभी जो है इस गाड़ी को वैक्यूम लगेगा, वैक्यूम की तार वो लग रही है, और फिर जो यार इसका इंटीरियर साफ होगा वैक्यूम से, ठीक है। और अभी मतलब कि गाड़ी तो भाई बाहर से साफ हो गई है पूरी की पूरी, ओके। बाकी पॉलिश वगैरह होगी तो और ठीक हो जाएगी। और भाई अभी वैक्यूम लगने के बाद गाड़ी की जो सीटें हैं, गाड़ी के ये पार्ट्स हैं, डैशबोर्ड वगैरह, इस पर जो है सर्फ से साफ सफाई होगी, और उसके बाद इसी पर पॉलिश होगी, और पायदान लगेंगे। पायदान जो है नए वाले में लेकर आए हैं वो धुलवा लिए, और टायरों की पॉलिश भी होगी। सारा काम हो रहा है आज गाड़ी का, ये गाड़ी तो ओके हो गई, उसके बाद इसके ऊपर बॉडी पे पॉलिश भी करते हैं। तो भाई अभी गाड़ी सर्विस हो गई है, मसला ये कि इसमें चेक लाइट आ गई है। ये तो कह रहे कोई ज़्यादा मसला नहीं है, ये मेरे ख्याल से बैटरी का टर्मिनल निकलेगा और फिर ठीक हो जाएगी। और अभी जो है गाड़ी अंदर साफ वाफ हो गई है, अंदर से जो है मतलब के पायदान वगैरह सारे नए हो चुके हैं। बाहर से जो यार अभी इसको पॉलिश वगैरह होगी, बाहर से थोड़ी सी मिट्टी हो गई है। खैर अभी जो हम लोग जा रहे हैं इसकी फॉग लाइट्स लगवाने और इसका टॉप कवर लेने के लिए, तो चलो यहाँ से भी हम लोग पहले निकलते हैं। और भाई अभी जो हम लोग गाड़ी का जो टॉप कवर है वो चेक कर रहे हैं कि ये इस पर पूरा आ भी रहा है या नहीं। ले तो लिया टॉप कवर, अभी देख लेते हैं। तो भाई घर पर आ चुके हैं और ये है हमारी गाड़ी की कंडीशन, मतलब कि अंदर से जो है अब ये साफ़ सुथरी हो गई है भाई, ठीक है। अब क्लीन है, टॉप कवर भी जो है हमने इस गाड़ी का ले लिया है, ठीक है। अब मतलब कि साफ़ करने के बाद इसका टॉप कवर भी इसके ऊपर चढ़ा देंगे, और गाड़ी जो है थोड़ी सी मिट्टी हो गई है तो मैं इसको भी साफ़ करके जो रबिंग पॉलिश है ना यार वो करूँगा, ठीक है। तो चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं, और जो कपड़े हैं अपने पास उनको भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्हीं से साफ़ सफाई करेंगे। तो ओके, बहरहाल आज तक का जो भी गाड़ी का काम था वो कम्प्लीट हो चुका है, मतलब कि गाड़ी हमारी साफ़ सुथरी हो गई है, न्यू हो गई यार, बिल्कुल ही मज़ा ही आ गया आज तो गाड़ी को सर्विस करवा के वैसे तो। और ये अभी ये साइड भी साफ़ करूँगा, मतलब कि ख़राब ख़राब सी हो गई है, टाइम बहुत लगेगा और तब तक अंधेरा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँ। आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।